आपने जमीन में नीम खोद ली फिर। अरे जीजा, मेरे को तो पता चला आपके प्लॉट पे कब्जा हो रहा था। ले जाऊंगा। टेरिंग में आवाज सुनो। रेक डलवाते हैं। रेक क्यों खराब होगी? अनु ये क्या उठा ले? गेहूं करती। सड़े चल तेरे को लेके जाऊंगा ना, तेरे को आते ना तेरे मामा को। जो आदमी नहीं कमाओ नहीं काम करो तो मुफाई बंद लो और कहीं करो। जय श्री राम भाई लोगों, सब भाई लोग कैसे हो? मस्त हो, मजे में हो? तो मजे में रहना चाहिए। आज एक और नया ब्लॉग लेके मैं आपसे देख रहे हो। सुशील भाई सुबह सुबह जा रहे हो कटे से। आज उड़ते ही पापा को फोन आ गया कि बेटा तुरंत दुकान आ जाओ। तो जीजा जी को कोई प्लॉट से तो पड़ोसी नीम खोद रहे थे तो प्लॉट ने दबा लियो। अब जीजा जी तो बटे साहब, जीजा जी ने त्रिना आप चौक करवाओगे ना तो पापा के मैं जाऊंसू देखा बाहर सल्ट रहा मैटर ने। मैं कोई हाथापाई नहीं चाहिए, आराम से रिलैक्स मूड में जाओ भाई। आप पहले एक बार दुकान जाए अभी के बाद में था ना, आज वरना भी दिखाऊंगा आपने वरना को कत्तों का काम होगा। कंपनी से फोन आई जो ओरिजिनल आरसी एक ड्राइविंग लाइसेंस दे जाओ ताकि हम आगे का काम प्रोसेस करें। ठीक है मैडम, हम आते हैं आपके पास घंटे आधे घंटे के अंदर। थानी एक चीज बताऊं, जब आदमी को रूटीन खराब हो जाए जाने और वापस रूटीन में आप बचाओ आदमी तो भाई खांडा की दार हो जाए। घर का कौन कहेगा भाई काची डाली जा बाहर तो मोड़ लो। अब मैं दिन आगे मैं 4 बजे सो चो, सुबह 10:30 उठो जो भाई। आज रात में 1:30 बजे सो गो, सुबह 8 बजे जब मैं उठो ना तो मन ये लाग जाए मारो मत तो घूम रहे हो जाए और चक्कर आ रहे भाई। अब तो मरिया काटा मन वापिस सोनो पड़े भाई 1 घंटा। फिर मैं 9 बजे उठो तो भाई मैं मारा रूटीन ने बिल्कुल सुधार छोड़ूला चाहे कहीं भी हो जाए, क्योंकि अब शनिवार में घूमना निकल रहा था महाकाल तो बैठे थोड़ी 4 बजे सो ला, सुबह 10 बजे उठ लो बट तो 8 बजे उठ रवाना घूमबाट। गाड़ी में कीड़िया कटे सो आगी, कोई कीड़ी नाल कूद हो गई। कीड़ी से माकड़ी, ओ भाई माकड़ी था तो रुको 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 कट गई आगी पकड़ में। पड़ोस मिल भाई साहब अपना सुनील भाई, ब्लॉग के आने लगे बहुत बढ़िया लगते हैं, आनंद आ जाए कुना में बहुत मजा आता है। और घर में कौन कौन देखे? दादी जी, मैं, पापा जी, मम्मी जी सब देखते हैं। पापा आए थे अभी शाम की बज गई 4। पापा भूखमर का काज? ओ यार परेशान होगा आज तो गाड़ा था का चक्रम में भी भूखमर को। अरे तो बटे करता गए तो प्लाट ने यार 1 फुट दबा लिया जो भी यार खिया जी, यहाँ समझा समझूर भी नफार भी नींद ठीक करा रहे हो। समझाओ कहीं जब फिटनेस बांध देता कोई बांधी जाए यार कोई सभ्यता काम से फिर किए पटा नफा तो नी का समझ में आई ठेकेदार ने भी कहा खियो भाई देख लेना वो यार तो गलती होगी। मतलब कुल मिला रहे रोज करे गुना रोज का 11 करता तो यार भी सबको जो गलती से खुद को फिर वो आग लो गलती मान लियो जना ते कांड कर जा आपो दादागिरी थोड़ी कर रही हो नहीं मान लियो वो दादागिरी करता ते काई करता फिर दादागिरी करतो जना आपा से को बता देता मिनट। ओ फिर पापा भी आप वाला वो पुण्याण वाला डोन काटता भाई सु दादागिरी करतो क्या अपनी जमीन में नीम खोद ली फिर वो दादागिरी करतो जना चल वाली थोड़ी सही बात है। खैर देखो मार पापा मनिए लागे कोने टावर बना सु आज तक मत रोबड़ो को बस आंख सु डराए जे कदी रोज करेडो देखियो कोने पापा आखरी बार कदा ना वो दादा गरीब करते तो बताऊँ पापा कहीं करता थे कहता चल कोई बात पास देख ला पास क्यों देखा था ना फिट करा जाता हूँ। वाह तो रोटी वोटी खाओ ला कौन खावा कहीं खाओ ला जा 4 तो बजी की 1 टाइम को बरतो जा कहीं को बरतो रोटी वोटी खा लियो मैं भी रोटी खा लीजू और फिर मैं थोड़ा सा काम से बुक रहा हूँ। जो चौक विवाद हुई जो हमारे पहली प्लाट को वो पापा सल्टाया है बिल्कुल पूर्ण रूप से शांति। अब थोड़ी देर दोबारा को रगड़ो क्यों रगड़ो ना भी नीम खुदाया नीम भरावला कारीगर लाग जालो काल से बाट है ट्रॉली में ले जानी पड़ेगी ट्रैक्टर वाले देख रहे हैं ना ट्रॉली मत मैं को ले जाऊंगा ट्रैक्टर से पहले हमने के रंडन डोबना है ना मैं कौन चला जाऊं ट्रैक्टर आते था नहीं 3,000 रुपए में ट्रॉली आवली वह बाटा की तो पत्र में तो महंगो को पहले कोई जमाने में कहीं रेट है 1500-1600 क्या हो वो यार जस्ट डबल होगी। माँ का कहीं जाए घर आंजे ना गाँव थे देखे बोला ब्लॉग में 4 ही मेड डंडो बनाए भाई दूर दूर से बाटा ले रहा था भी तो अतरो मजा तो मन वो काम चालतो ना मकान को पापा जना यहां लाग तो भाई कोई त्योहार ही चाल रही तो घर कमाए ने भाई काई भी को गर्मी कमाए आइसक्रीम खाबा को स्वाद लगी यार आंधी को नतीजो दिखाऊं था ई पेड़ ने देखो बापड़ो के सलाम ठोक रियो है पूरो लुड़गो बन टूट्यो नहीं इसु काई सी काई समझ में था घर को बड़ो आदमी पूरो झुक जाए लेकिन घर ने कौन टूट पाते कदे देखा कतरो तगड़ो ज्ञान बाटी जो आज में और ज्ञान चोको लागयो तो काई करनो से कमेंट। तो भाई अब एक बार जा रहे थे आप अपनी वरना ने देख बार थाने दिखाऊं तो देखा कहीं कहीं से अपनी वरना खड़े रूस तो कौन की से अपनी वरना तो आ खड़ी रहा तो धूल दम मौसम हो रही है हमारे हिसाब से सर्विस सर्विस तो होगी बाकी वो काम बाकी पड़ी जो हाँ अंदर से साफ पड़ी जो भाई। तो एक बार देखा माइन जा रहे एडवाइजर से दिखाओ देखा कहीं हो चाहे कहीं नहीं आगे को बम्पर वो बम्पर को सारा पार्ट्स वार्ट्स तो ऑर्डर होगा लेकिन मैं डॉक्यूमेंट जमा कराना था आरसी रहे तो जा रहे एक बार मैं जमा कराऊँ तो देखा कहीं चेर कहीं नहीं अपनी रानी आ खड़ी है लगभग जी मार में चोट क्यों करे यार चोट ना करे है 5 दिन गाड़ी खड़ी कर सर्विस करा आप क्लेम नहीं हो तो कहीं कैशलेस को इंश्योरेंस तो तन पहली कौन दिख रहे हो बताओ यार ये तो लगभग जी घर करेगा नहीं तो लगभग जी बाइक होगा कहीं भी कौन कर दो नहीं कैशलेस करवा रहे थे बात कर ले सकती हूँ तो अब सकती हूँ डेली जाकर गाड़ी छोड़ू मैं बाहर दे देना अब इन चेक करो एक तो एक मीटर रीसेट को अपना स्टीयरिंग में आवाज सुनो रेक डलवाते हैं रेक क्यों खराब होगी नहीं नहीं 16,000 रुपए क्यों गया ऐसी कचरो गाड़ी क्यों दिया जो मैंने कचरो ने दिया है साली ने हेल हेल चलाऊं तो दर दर बाइक सो कर सुनो खाडो आ जाने खाडो जना उत्तर पहले भी मैं चपला मिल रहा हूं फिर भी मैं कार्ड फिर ऑटो हूं जो पत्थर तो न लगा रहा तो ये सापट पापट कहीं गई है मैंने बताओ स्टीयरिंग कॉलम राइट साइड से आवाज आओ गड़ 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 चला पहले वो पार्ट डले देखो एक काम करो चेहरे दूसरे
पासवर्ड चेंज कर दो, चेंज कर दो, क्लस्टर डड़ाओ जा दोबारा से, तो एक सारा काम चल लाख एक रुपया का छोड़ दीजिए। इन चल रही तो यही जुमाल आपा आ चुके थे अपनी दनों के मायन और अभी लेट जा रहे थे दूसरी जगह मायका कमाएन, भाई एक मायका सु निकल जाए दूसरा मायका कमाए आप पहुंच जाए आपके, बट कहीं कैशलेस हुई को ना जना मुझे यार चलो अटे करा दिया, दो दिन में तो गाड़ी दे दिला बट चार दिन मांग रहे हैं फटाक देने से काम हो जाए फिर इस धनों से मारेंगे डेमो अर्थात लोग ना मचो, तो पहली फटाक सु ले जाऊं जो इनमें ओ भाई कट ले रहे जो गाड़ी वालों आपको कट की जगह से लंबो राउंड ले रो ना हो इस जगह और मैं देखो कट उतार ली जो गाड़ी ने और फिर हट जाए ली जना भाई साहब देख रहे कौन सा फोन चला रहा था, अरे भाई साहब कहीं कर लो यार फोन चला रही भाई साहब तो तू देख रहे थे तो नहीं चला रही कौन देख रहा था कि जे वो भी चाटा खाए थे भी खाओ तू भी चाटा खींच दियो जो गेंदी रही नहीं देव तो खींच दियो जी फिर मैं का दो गाड़ तो पूरा अपने जो आंटी जी दीदी भैया सब मिलवाया सर एक डेढ़ घंटा से इंतजार कर रहे तो इकले में माफी चाहूं मैं कही गाड़ी सर इसमें छोड़वा के वजह से फिर पापा मनी है क्या तार से मिल रही जाए जद मायने और काम चुका अच्छा अच्छा क्या नाम है इसका लव वाह यार तारा तो नाम ही रोमांटिक है कौन सी क्लास में हो आप अच्छा और मम्मी मारती नहीं मारती आपको नहीं मारती तो प्यार ही नहीं करती सुबह मारी थी वानो काई के लिए आ गया अभी कहेगा सेवा पानी कराओ अरे पता जी जी क्या बोले पापा अरे ओ क्यों उतर रहा होगा बारिश हो पड़ी चूनो लगाओ लो रोज 250-300 का चूना लगा देता नाना जी के कल तो मेरे को भी पिलाई कोल्ड ड्रिंक और जिया जी मेरे को तो पता चला आपके प्लॉट पे कब्जा हो रहा था तो फिर हम मौके पे पहुंच गए तो आप ऐसे कैसे गए अचानक क्या वजह थी भाई कोई भगवान ने सुध दे दी अभी देखिए जीजा जी क्या पूछ रहा है कम नहीं 9 इंच प्लाट का मान नीम खोद दी देखा आराम से कत्तो गज कम हो जा तो करीब 8-7 गज 8 गज चली जाती आपकी इससे की 8 गज जीजा जी उसमें क्या क्या करवा रहे हो ये बताओ बाउंड्री वॉल कराएंगे फिर बनाएंगे मड हाउस वाह और फिर उसमें गाय रखेंगे देसी गाय रखेंगे कौन सी वाली काली नहीं वो जीजा जी वो ब्राउन कलर नहीं आती क्या सॉफ्ट सॉफ्ट कान आते हैं इसके वाली गाय थी जो एकदम दिखने में ऐसी लगती है वो वाली गाय मस्त लगती है मेरे को देसी गाय अच्छा कौर साहब जाते नहीं तो वो बाउंड्री बना करके आराम से रहता हुआ मिलता आपको तो जी जी पता है मैं किसी काम जा रहा था लेकिन आपका फोन आया ना जब मेरे पास तो मैं चलो यार पापा तो चलो फोन करते तो मैं घंटे आधे घंटे गोली दे देता लेकिन फिर बोला जीजा जी भी फोन कर रहे हैं पापा भी फोन कर रहे हैं मतलब मैटर बड़ा है जाके किसी प्लॉट में बनाने लग जाओ घर के सामने स्विमिंग पूल बन रहा है घर के सामने फिर आप कैसे तैरोगे छोटा सा गांव में मंदिर नहीं होता जैसे वो स्थान बना देते हैं तो दिखाया मैंने कहा भगवान से मांग ले क्या मांगेगा क्या क्या मांगा भगवान से मैं बोला ए भगवान सबसे पहले झंडा सुना देना पहले पिछले प्लाट को डंडो जाए और ओके खींच देखो अठिन पूरा माइन वो अपना प्लाट जो ठिलो ओ बीको प्लाट जो बीका प्लाट का माइन ले लिया मुड्डी ने पूरे दबा लिया क्या थोड़ी थोड़ी समझ में आई जब मैं भी कहीं जब ठेकेदार बनवा को काम चालू कर चुका सुनो नहीं फावड़ो नहीं पराती एक गेती मैं जीजा जी ऑन द कंस्ट्रक्शन इससे कुछ नहीं होगा फिर जेसीबी लानी पड़ेगी नीम मैं खुद दूंगा आप चिनाई तो कर दोगे और क्या कर दोगे पापा ते कहीं काम करा दूला मैं कंस्ट्रक्शन काम करा तो बजरी छणा हुआ मैं कोई रोड़ी वोड़ी मिला फाइनेंस करेंगे सेठ जी हाँ मैं करवा दूंगा अरे वाह बानू आप तगारी उठा लोगे तगारी मतलब चॉकलेट का डब्बा उठा लोगे बानू ये क्या उठा ले मैं चॉकलेट 300 की दिखाना एक बार भाई अतरी बड़ी तो चॉकलेट ले रहा है बीमार कर लूंगा चोरन वापस गए यार अतरो का लाड काम को यार मेल तो एक कान मोड़ सब पीड़ छोड़ दे दो कोक उठा रहा है 15 साल से कम के बच्चों को मतलब ही नहीं पीना इस पर लिखा होता है मारो बलमो पड़ो से अनु कोको कोला ले लड़ी उठा ले यार ये चिप्स की तो भाई कितनी चिप्स उठा ले और कराओ से पानी था 500 रुपए को जूत पिक्स कर दियो दन को रोजी ना को आज गालो नाना जी ने लूट ले रोज आ गए लूट लिया नाना जी का दिल सो देखियो पण जीजा जी के नीचे नीचे देखियो गाड़ी का माइन डिस्प्ले कौन थी तो एप्पल को फोन लगा दिया वाह यार जीजी वाह ये दिमाग किसका है मेरा बानू ही कारीगरी डबल साइड टेप वाह यार जीजी आपने तो दुनिया को पीछे छोड़ दिया घराना आता है की लियो क्या करते हो रे की का क्यों ली की मुंडी लाल और नोर बताती है अरे नहीं नहीं करनी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए जी वो मन शिकायत कर जो वरना वरना तो ठीक होने गई हुई ना आने वाली है जल्दी नया आईफोन लाऊं क्या करोगे आईफोन का व्लॉग बनाओगे अच्छा कैसे बनाते व्लॉग बताना अच्छा क्या बोलते व्लॉग में बताओ अच्छा सिर पोड़ोगे और क्या करोगे नए आईफोन का गेम खेलोगे तो उसको क्यों मार रहे हो अले वाले अच्छा जी बागे करूँ क्या करोगे लो कर दिया अब मेरे को दे दो पूरा ही दे दो मेरे को भाई देखो अब नींबू नहीं खुआ जाओ नींबू से शुगर नहीं पड़ती
इतना रास्कल है। ओए बानू नहीं नहीं, ए बानू नहीं नहीं, ए नहीं नहीं यार। अरे बोले आजकल आपके पास टाइम नहीं है क्या? क्यों, क्या करते हो? बनू इधर आजा उठ के। ओए ओए नहीं यार भाई, आज उतरो गुंडो रिजिक तो। बनू रुको, इसको दबाते हैं, अब कहां जाएगी बता, अब कहां जाएगी? स्विमिंग पूल डायमंड में चलना, लेकिन तू कभी डूबे मरगी तो। भाई साहब आज सुबह उठी मैं ना, हमारे तगड़ा ही ब्लॉग चल रहा है, रियल रियलिटी ब्लॉग था। साले चल बालू को, साले चल फीस पर रखी है। मैं छोड़, मैं बोली काय की फीस तो स्विमिंग पूल की, मैं बोली छोरे का एक हाथ नहीं खेसते, साले चल तो लेके जाओ ना, तेरे को आते ना तेरे मामा को आते स्विमिंग। जय जी, मेरे बारे में कैसे बोल रहे हो बच्चे को आप? आ, इतने बड़े हो गए तो स्विमिंग नहीं आती। आप बताओ अभी गए तब स्विमिंग में कोई कमी थी क्या? हाँ, ये कोई स्विमिंग होती है? जहाँ दांत काट रहे हो। और अमित तार कहीं हाल चाल तो ब्लॉग में को नहीं? आज था मिल भाई जी एक सब्सक्राइबर, तो बुलाओ क्यों? बुलाओ बंदे जो बार आते चुप चुप पे पी पी के लिए, मारा हाथ दू गजे बारा पग दू गजे मन तो ध्यान से अब कर रही जमा योजना कर। देख मम्मी, अगर आज सफड़ो मिल दी ने तो अभी तो पापा कब्जा छुटा वो काम करे, प्लाटा का कब्जा खाली करा रहे। मैं चाहे उनको घर की बहन बेटी का प्लाटा का कब्जा कर लूंगा। आज मकान कुदा दियो, बिल्डर लाइन ने काम चालू कर दिया। सही लगाया चकौर साहब, की नीम हो जाए कोई मामूली बात कौन है, स्टेशन लगा हुआ कोई चकौर साहब था लगा दियो तो नीम आकी कौन है? नीम तो कोई और खोद को गलत लगाया जाए तो क्यूँ पापा? पीपल का पेड़ लगाया है बालाजी का, वो थी स्थान घर की लक्ष्मी जी, घर की लक्ष्मी नहीं लेगा जो तो चैन पाया थे, पूछो क्यों? अन ले जाता तो मुंड माता है फूटता, नीम फिर भी सही कौन थी? दीदी जब भी इंजेक्शन लगाओ तो मार्किंग क्यों कौन करे? पेन सो तेरी मार्किंग दिखी नहीं, दिखी का ही नहीं, मारी दिख रही जांग मारा ठीक है आज क्या कौन है? और पेन मिल दी मैं तंदा उससे तुम्हारे पेन भी की उपली पर जो क्यों उपली कोई ऊपरी पल्ला खेचे खेती है ऊपरी पल्ला तो तू ही की घर में और एक्टिंग ही कर दी मम्मी ले चढ़ो कम कौन से शिवी शिवी माफ कर दो सॉरी बोल दो था ब्याह था ये लाग रही जो भाई सही आई लेडीज आई जी था के बारात बदली तो कौन जी फिर अंगमाइन आई तो आई जी पांच बहन सुधार दी छोड़ दियो हाथ में पकड़ा पापा जय जी मम्मी तो जोर मरती चेपुर पापा तो बिदन भी छोड़ दिया जाने पहले दिन भी छोड़ देता तो भाई आज के बैठे भी पुण्य बाबा जी बना बाबा जी दरी कौन बनता बैठे गुप्पो बांध रहे कौन जा पापा अति माड़ी हुई आप माड़ी जो आदमी नहीं कमाओ नहीं काम करो तो गुफा ही बंद लो और कहीं कर लो गुफा की बात झूठ बोल रहे भी ना तो बट ही समझो गुफो खेरी जा प्लॉट में जुफाई बनाएंगे किसमें जय जी पापा के बोले जो नहीं कमा तो गुफा बांधता है सोरा लाग जाएगी गर्दन में झूठी भी बड़ा लार बेटी के बाप का बेटिया क्या कर रहे ऑल शिवा क्या करना है आपको बैठना है पापा दुकान कौन खोल लो ओ ऑल दीदी तू बैठ जा तो जी आपके व्लॉगिंग चैनल की डिमांड आ रही है तो व्लॉगिंग कब से चालू कर रहे हो आप? व्लॉगिंग तो नहीं यार मैं वीडियोस बनाता था पहले वो मैं दोबारा चालू कर दूंगा। कब करोगे? आपके 25,000 सब्सक्राइबर होने के बाद। तो मतलब भाई लोग अपने 25,000 सब्सक्राइबर करा देंगे जब आप अपना चैनल चालू कर दोगे उसी दिन। तो भाई जीजा जी कह दिया जिस दिन हमारा चैनल पे 25,000 हुआ चाहे काल हो जाओ चाहे दो दिन पाँच हो जाओ इस दिन जीजा जी को ब्लॉग चालू। लेकिन अपने गांव से जुड़े हुए कंटेंट होते हैं। वैसे तो अपन धरती में मैं धरती के अंदर जुड़ा हूँ आप धरती के ऊपर जुड़े हुए आप धरती से जुड़े हो ये गाय से जुड़े हुए। हाँ भाई जीजा जी देसी गाय का बहुत तगड़ा बगत है गाय माता का तो बहुत तगड़ा बगत है। ओ चले भाई ले जाऊंगा जीजा जी खड़ा कड़िया बोल जाए आज का ब्लॉग में करा था अठे एंड और मिला था नेक्स्ट ब्लॉग में टिल देन बाय।